Agnenaya Supatharaye Asmana Vishwani Deva Vayunani Vidvana Yuyodhyas Majjuhurana Menu Bhuyishthante Namo Uktim Vidhema. Sabko pranam. Mai Agnihotri Somayaji Chaitanya Narayan Kale, jo Barshi सिटी के पास कासारवाड़ी बोलकर गांव के पास में यहां पर रहता हूं। यहां पर हमारी खेती है, हम खेती में ही पाठशाला, अग्निहोत्र, गायें, गोरक्षा भी यहां पर हमारे यहां चलती है। तो हम बचपन से ही यहां पर रहे हैं। वैसे हमारे हम ऋग्वेद के अश्वरायन सूत्र के हैं और मेरा स्वशाखा अध्ययन ऋग्वेद का और सामवेद के राणायणी शाखा का भी पूरा रहस्यांत अष्टब्राह्मणांत अध्ययन मेरा पूरा हुआ है। जो राणायणी शाखा का अध्ययन हुआ है वो कर्नाटक में विद्वान विश्वेश्वर राम भट्ट जो होन्नावर के पास में करिकान परमेश्वरी टेम्पल जो एक जंगल में देवी का स्थान थे वहाँ अर्चक थे उनके पास 9 साल रहकर मैंने अध्ययन वहाँ पर किया। ऋग्वेद का अध्ययन जो है वह स्वगृह में ही पिताजी जो गवामयन सत्रया जी तथा अश्वमेधया जी नारायण गोविंद काले इनकी अपने घर में ही हमारी पाठशाला थी। उसी पाठशाला में सामवेद का अध्यापन करना और ऋग्वेद का अध्ययन करना, इस तरह से मैंने ऋग्वेद का भी यहाँ पर घर में ही पूरा वेदाध्ययन कर किया है तथा श्रौत स्मार्त कर्मकांड भी अध्ययन किया हूँ और सोमयाग के अग्निष्टोम उक्ष छोड़कर सभी 6 सोमयाग पूरा मैंने अनुष्ठित किया है। अलग अलग जगहों में जो एमपी के अलग अलग जिले हैं उनमें हमने उसको अनुष्ठित किया था जो नर्मदा किनारे है। और इसके साथ साथ हमारे आश्रम में भी जो हर साल सोमयाग होता था उन सोमयागों में अतिरात्र अप्तोरयाम वाजपेय बृहस्पति सब ऐसे याग भी हमने अनुष्ठित किया है। वैसे ही हमारे अनेकों यागों में मैंने औदगात्र अर्त्विज्य भी किया है और हौत्र का भी अर्त्विज्य मैंने संपन्न किया है। स्कूल में बचपन से ही हमने वेदाध्ययन का ही मार्ग किया है क्योंकि ब्राह्मणों का निष्कारणो षडंगो वेदाध्यायी तव्यो नियेयश्च, वो निष्कारणता के भाव से हमको वेदाध्ययन करना है। वैसे ही उस वेदों का क्या करना है अगर सिर्फ वेदाध्ययन करना है तो इसलिए हमने देखा कि वहाँ अग्निहोत्र का प्रधानता है तो इसलिए वेदाध्ययन के बाद जब विवाह संपन्न हुआ तब हमने विवाह 2001 से अप्रैल 2001 से हमारे शादी के दिन से ही मैंने नित्य उपासन का नित्य अनुष्ठान घर में किया है और 2008 विभव नाम संवत्सर में वैशाख शुद्ध पूर्णिमा उस दिन में श्रोताधान मैंने किया, उसको आज 11वां साल ये चल रहा है जो मैंने अग्नियादान किया था। और मैंने कम से कम एक 20 से 25 विद्यार्थी ऋग्वेद के शाकल शाखा और सामवेद के अष्टब्राह्मण रहस्यांत का राणी शाखा के विद्यार्थी मैंने यहीं पर पाठशाला में घर के ही पाठशाला में मैंने तैयार किए थे। आज वो अलग अलग जगहों में वेद पाठशालाओं में महाराष्ट्र में पढ़ा रहे हैं और बाहर भी महाराष्ट्र से बाहर भी जाकर वो पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मैं परिचय हमारे पिताजी के बारे में भी मैं देता हूँ। पिताजी जब कुछ भी पूर्व वैदिक परंपरा में नहीं थे तब वो ओलंपिक चैंपियन एक रेसलर थे जो मेडल भी लाए हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में श्री वामन राव जी गुरुणी महाराज जी आए और उन्होंने उनको शक्तिपाद दीक्षा दिया। उस शक्तिपाद दीक्षा के साधना करते समय उनके ध्यानावस्था में उनको ऐसा हुआ कि गुरुजी ने उनको एक आदेश दिया है कि आप अग्निहोत्र लो, क्योंकि जब गुरु आदेश देता है तो बहुत एक सूत्र के जैसे श्रौत सूत्र होता है छोटे से सूत्र यानी कि छोटे से कुछ शब्दों में
बहुत सारा ध्यान देना, उसको बोलते हैं सूत्र। तो ऐसी सूत्र में उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तुम अग्निहोत्र लो, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि अग्निहोत्र लो यानी कि वो कोई ऐसा तो चीज नहीं है कि मैंने कहीं से खरीद लाया और घर में रख दिया है। तो अग्निहोत्र लो यानी कि वेदाध्ययन करो, पृथ्वी की संपत्ति तैयार करो, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, उसकी महत्ता जानो, वो उन लोगों को सर्व सभी समाज के पास तक उन सभी ज्ञान को पहुंचाओ, यानी कि इसकी शुरुआत उनके जीवन में हो गई कि अग्निहोत्र। फिर उन्होंने अलग अलग जगहों में जाकर अपने हमारे पुरोहितों के पास जाकर उन्होंने उसका ज्ञान संपादन किया कि अग्निहोत्र क्या है, वेदाध्ययन क्या है, फिर वेदाध्ययन करना प्रारंभ किया, फिर ऋग्वेद का अध्ययन संहिता वगैरह उन्होंने बोला, फिर अग्निहोत्र लिया, आधान किया। लेकिन आधान करने के बाद नित्य अग्निहोत्र होम चल रहे थे, लेकिन अग्निहोत्र होम चलते सिर्फ नहीं, इतना ही काफी नहीं है, तो नित्य इष्टि करनी पड़ती है, दर्श पूर्ण वासिष्ठि। तो उसके लिए ऋत्विज संपत्तियों की भी जरूरत होती है। तो ऋत्विज संपत्ति कहाँ से लाएंगे? तो हमारे यहाँ सोलापुर में कुछ विद्वान थे, वो आते जाते रहते थे, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे ही तीन पुत्र है, मैं उनका कनिष्ठ पुत्र हूँ, मेरे ज्येष्ठ दो भ्राता है, उन तीनों लोगों को एक एक के एक एक वेदाध्ययन के लिए हम उन्होंने बाहर भेजना चालू किया। तो ऋग्वेद के लिए हमारे बड़े सबसे बड़े भाई ऋग्वेद और अथर्वेद के लिए उन्होंने बड़ौदा में घुले गुरु जी बोलकर थे, जो अथर्वेद शौनक शाखा के थे, उनके पास अध्ययन के लिए भेजा। और ऋग्वेद का अध्ययन उनका घर में ही यही पाठशाला में संपन्न हुआ था। वैसे ही मेरे बीच दो नंबर के जो बड़े भाई हैं उनको कृष्ण यजुर्वेद पढ़ाना था। महाराष्ट्र में तो कृष्ण यजुर्वेद की कोई परंपरा ही नहीं थी, पढ़ाने वाले नहीं थे, जो एक दो थे वो पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। तो फिर पिताजी ने वो बीच में जो दो नंबर के भाई है उनको लेकर कांचीपुरम परमाचार्य जी को किसी ने नाम बताया कि आप वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर आपकी व्यवस्था होगी। तो जो हमारे बड़े भाई को फिर वहाँ परमाचार्य जी के पास लेके गए। लेकिन एक ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि गुरु की आज्ञा होती है और गुरु सब जानते हैं, तो वैसे जैसे उन्होंने आज्ञा दिया था अग्निहोत्र लो, वैसे ये भी प्रेरणा दी कि आप कांचीपुरम में परमाचार्य जी के पास जाओ। जब ये लोग वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे। जब लाइन में लगे थे तो इनको कोई परिचय भी नहीं था, क्या बोलना है, कौन परमाचार्य है, कुछ भी नहीं मालूम था। ये लाइन में ऐसे ही लगे हुए थे दोनों भी। तो परमाचार्य की दृष्टि जैसे ही इनके ऊपर पड़ी, उन्होंने लाइन तोड़कर उन दोनों को अपने पास बुला लिया। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उनको वो बराबर हजार लोगों में से भी वो दो लोगों को उन्होंने पहचान लिया और फिर उन्होंने उनको बुला लिया और उनको बुला के उनकी पूछताछ की, फिर उनको पता चला कि ये कृष्ण यजुर्वेद पढ़ने के लिए आए हुए। लेकिन संत सब जानते हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर परमाचार्य जी ने हमारे बड़े भाई की कृष्ण यजुर्वेद पढ़ने की त्रिजनापल्ली के पास में उनकी व्यवस्था की और श्रौताध्ययन की भी वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था की। तो ये वेदाध्ययन हम तीनों भाइयों को अलग अलग जगहों में तीन वेदों का अध्ययन करा के फिर हम लोग यहाँ पर फिर वापिस आए। अध्ययन 8-9 साल अध्ययन करने के बाद हम जब घर में वापिस आ गए तब तक हमारे पिताजी ने एक पाठशाला प्रारंभ कर दी थी घर में, और वहाँ यहाँ पर 10-20 विद्यार्थी उन्होंने रखे, दो बाहर से अध्यापक लाकर वो एक अध्ययन परंपरा पाठशाला की प्रारंभ की थी। फिर हम लोग आए, फिर आने के बाद हमने ही यहाँ पर फिर अध्यापन चालू किया और जो अपना अधूरा कुछ थोड़ा स्वशाखा का तो बाकी था वो भी उन्होंने हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन पूरा किया। फिर ऐसा मालूम हुआ कि सिर्फ तीन ही शाखा नहीं है महाराष्ट्र वेद की, टोटल 11 शाखा अभी जीवित है, 11 से 12 शाखा भारतवर्ष में जीवित है और उनके वेद ध्वनि भी इस महाराष्ट्र में सुनाई नहीं देती है, किसी को मालूम ही नहीं है, नाम भी नहीं मालूम है। तो क्यों ना हम उन सभी शाखाओं का भी महाराष्ट्र में प्रचलन करना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे यहाँ श्लोक है, यत्रन्न वेद ध्वनिध्वान्तम यत्रन्न गोविर अलंकृतम यत्रन्न बालैः परिवृतम श्मशानैव तद्गृहम्। जिस घर में बालक नहीं है, जिस घर में गोधन नहीं है और जिस घर में वेद ध्वनि नहीं होती है वो स्मशान के सदृश घर होता है। तो ये जो वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ, तो 11 शाखाओं का जब वेदाध्ययन प्रारंभ हो गया, तो वेद तो अभी महाराष्ट्र में हो गए हैं, तो इन वेदाध्ययन का क्या करेंगे? ये वेद पाठी बनेंगे
और फिर स्मार्थ पौरोहित्य विवाह गृह यत्न ये करते फिरेंगे। तो पिताजी ने सोचा कि इसलिए मैंने वेदाध्ययन और ये शाखा का प्रावधान नहीं किया है। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि अग्निहोत्र फला वेदाहा, ऐसा जब कहा है कि अग्निहोत्र का फल क्या है वो वेदाध्ययन है। वेद क्या है? वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, वेद यज्ञ के लिए अभिप्रवृत्त हुआ है। तो फिर इस सभी शाखाओं के अग्निहोत्री भी होने चाहिए, सभी राज्यों में, सभी गांवों में, सभी जिला में। हम पिताजी जो चाहते कि छोटे छोटे जो गांव है हर एक गांव में एक अग्निहोत्र होना चाहिए। जब सैटेलाइट से अगर कोई पिक्चर निकाले तो सुबह प्रातः सूर्य भारत में जब सूर्योदय होगा तो सब जगह में हमको अग्निहोत्र का धुआं उठता हुआ देखना चाहिए। क्योंकि अगर अग्निहोत्र से वातावरण शुद्धि होती है, यज्ञों का अलग फल ये है शुद्धता होनी है, तो भारतवर्ष में शुद्धता करनी हो तो कितने जगहों में अग्निहोत्री होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन वो अग्निहोत्री बनेंगे कैसे? तो उन्होंने ये सोचा कि इसमें से जो एक कोई समाज को प्रबोधन के लिए, उनकी जानकारी के लिए इसकी महत्ता उनको समझानी चाहिए। तो फिर इसको विज्ञान, अभी के लोग हर एक बार में ये क्यों वो क्यों ये WH क्वेश्चन सब जगह में चलते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इन सभी प्रश्नों का जवाब हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि क्या हम लोगों के प्रश्न आने के बाद उसका समाधान करना चाहिए। तो फिर उन्होंने वेदाध्ययन के साथ साथ अग्निहोत्र का प्रचार करना चालू किया। फिर उनको लगा कि इसमें कोई रिसर्च जैसा इस बातों का उसको लाना चाहिए और जो सार्वजनिक तौर पर सबको मान्य होनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के भारतवर्ष में रहते हैं तो वेद के बारे में ये सब हो रहा है तो सब बाकी धर्मों को तो उसको फिर द्वेष करने लग जाएंगे, तो सबको क्या चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि बरसात जो होती है, जो वर्षा होती है, वो कोई धर्म जाति प्राणी एक के लिए नहीं होती है, वो पूरी समस्त सृष्टि के लिए होती है। ये एक चीज वेदों में है और यज्ञ का फल है, जो यज्ञाद भवति पर्जन्यः, ये कहकर उन्होंने साफ कर दिया कि यज्ञ होने से ही बरसात होगी। ये जो छोटा सा सूत्र है, ये सूत्र सभी समाज को, सभी वर्ग को, सभी सृष्टि को एक सूत्र में बांधता है, क्योंकि बरसात किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो फिर उन्होंने आज से 30 साल पहले उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया कि पर्जन्य के लिए हम लोग क्या क्या यज्ञ हैं, कहाँ कहाँ उसका बीज है, कौन कौन से याग होने चाहिए, कौन कौन से याग में इसकी महत्ता है। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया, फिर लोगों को कैसे समझाए इसके बारे में, लोगों को तो अधिकृत होना चाहिए, सब सर्टिफाई चाहिए उनको, तो सर्टिफाई कौन करेगा। तो जब हमने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, हमने उनको कनेक्ट करने का प्रारंभ किया, उनके साथ बातचीत करना चालू किया कि हमको किस तरह से इसका संशोधन करना चाहिए, हमको इसका मटेरियल कि इसके कारण वो हो रहा है ये हम कैसे जाने, पुराने ग्रंथ इसके हिसाब से हम लोग जान सकते हैं। तो फिर उन्होंने हमको मार्गदर्शन भी किया, कुछ उनको इंस्ट्रूमेंटल भी प्रावधान किया, उनके लोग भी आए। लेकिन हमारे पास दिक्कत ये हो रही थी कि वो सर्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी एक धर्म के बारे में वो नहीं करना चाहती, तो अधिकृत नहीं हो रहा था। तो लोग, हमारे पास डेटा था लेकिन सर्टिफाइड डेटा नहीं मिल रहा था। तो हमने ही फिर वो मोबाइल वेदर स्टेशंस जो सोलर के ऊपर चलेंगे, जहां भी यज्ञ होगा वहां पर वो रखेंगे, 15 दिन का डेटा कलेक्ट करेंगे हम लोग, पहले 5 दिन, बाद में 5 दिन और यज्ञ के समय में 5-6 दिन का। तो ये 15 दिन का कम से कम हम हर जगह में डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर उसके लिए धन अर्जित करके वो सब 10-15 जगहों में हमने ये वेदर स्टेशन, जो मोबाइल वेदर स्टेशन था वो हमने खरीदा, फिर हर जगह में सोमयज्ञ किए। तो ऐसी रिसर्च में एक मालूम हुआ कि भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत में जो वर्षा आती है, बारिश आता है, वो बारिश के आकर्षण केंद्र बिंदु है। इनका नाम जो ज्योतिर्लिंग रखा है, ज्योतिर्लिंग, ज्योति यानी क्या है, ज्योति यानी अग्नि,
और लिंग यानी प्रकृति, और ये सब शिव के स्थान है। अभी लौकिक भक्ति के मार्ग से, लौकिक पौराणिक ऐतिहासिक मार्ग से अगर हमने उसको देखा तो उसके ऊपर शिवलिंग प्रतिष्ठित होना जरूरी है, क्योंकि शिव अभिषेक प्रिय शिव बोला है, उनको अभिषेक होना है, यानी कि पानी के संबंध में। आज भी जब वर्षा होनी चाहिए, अनेक गांव में जो पुरानी परंपरा है वहां शिव पिंडी को पानी में रखा जाता है, मंदिर में पानी भरा दिया जाता है, अभिषेक जल धारा की जाती है, यानी कि ये वर्षा के लिए ही किया जाता है। तो वर्षा के लिए क्या करेंगे, ये विष्णु मंदिर नहीं है, ये शिव मंदिर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा में हर एक देवता का अपना महत्व है। वैसे ही शिव का महत्व कहाँ है, तो वो वर्षा के लिए, और वहां पर स्वयं सभी स्वयंभू शिवलिंग स्थापित किए हुए है, और उनका 12 ज्योतिर्नेत्र, ज्योति शब्द का क्या अर्थ होता है और 12 क्यों है, ये 12 जो है ये 12 मास का प्रतीक है कि इस जगह में 12 ही महीने पर्जन्य के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस तरह का रिसर्च एक एमपी में एक प्रोफेसर थे शाला के, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया और वो टाटा इंस्टीट्यूट को उन्होंने दिया था। लेकिन उन्होंने ये जब ये इस तरह से धार्मिक भावना के साथ में आता है तो उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे ही बाजू में साइड में फेंक दिया उसको। फिर उसी लेकर वो आरएसएस के संघ प्रमुख सुदर्शन जी थे तो उनके पास चले गए, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने देखा तो उनको थोड़ी आस्था थी, तो फिर उनको लगा कि ये पर्जन्य के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब सब पूरे भारतवर्ष में जहाँ बारिश की बहुत बारिश होती है, वो सब जो ऋतु चक्र है वो सब बिगड़ गया है, उसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर उनको किसी ने हमारे पिताजी का नाम बताया, तब तक पिताजी ये 10-15 साल में पर्जन्य यज्ञ के बारे बहुत साइंटिफिकली और आइडेंटिफाई विश्वास से कह सकते हैं। जैसे हम लोग वैदिकों में भी थोड़ा सा न्यूनता है, क्योंकि वैदिकों को ये विश्वास नहीं है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं कि वो फल देता ही है, ऐसे 100% नहीं बोल सकते वो, क्यों नहीं बोल सकते, तो खुद वो वैज्ञानिक दृष्टि से उनको उन्होंने देखा नहीं है। तो विद्वानों को भी वैज्ञानिक दृष्टि से, क्यों विज्ञानम ब्रह्मेति वेदानत, हमारे वेद ही कहते उपनिषद ही कहते, तो उस दृष्टि से उनको देखना चाहिए था, वो नहीं देख रहे थे। तो पिताजी ने जब 15 साल इसके ऊपर रिसर्च किया तो उनको विश्वास था कि मुझे क्या क्या करना है, कहाँ 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 कब करना है, और ये जो वराहमिहिर की जो संहिता है उसमें भी जो उनको जो ज्ञान मिला कि इसके लक्षण क्या है, कैसे होता है, इसका भी वृष्टि की भी गर्भधारणा होती है, प्रसव होता है, ये पहले ही हम बता सकते हैं कि 195 डेज के बाद क्या होने वाला है, वर्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली है, आज के लक्षण के ऊपर 190 डेज के बाद में क्या होने वाला है वो बता सकते हैं। आज हिंदुस्तान में ये वैदिक परंपरा वराहमिहिर छोड़ के कोई भी डिपार्टमेंट वर्ल्ड का ये 195 डेज पहले नहीं बता सकता कि 195 डेज के बाद बारिश होगी या नहीं होगी, ये नहीं बता सकता। लेकिन वराहमिहिर संहिता ये बता सकती है कि आज की अनुमान के ऊपर से, लक्षण के ऊपर से क्या हो सकता है। तो ये जो डाटा 15 साल उन्होंने अध्ययन किया, इसको फिर उन्होंने उसके सामने रखा कि हम लोग, हमारे पास सब कुछ है लेकिन धन नहीं है, आप धन का प्रावधान करेंगे तो हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में हम लोग सोमयागों का आयोजन करेंगे। फिर 2005 में 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही साल में सभी जगहों में सोमयागों का आयोजन किया, रामेश्वर से लेकर केदारनाथ तक। मैं खुद केदारनाथ में सोमयाग में गया था, तो आखिर का सोमयाग हमने केदारनाथ में किया। और 2005 का जो सरकारी डाटा भी है वर्षा का, और हमने भी जो कलेक्ट किया वो डाटा है, वो भारतवर्ष में पिछले 50 साल यानी कि 2005 से पहले कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई थी, उतनी बारिश भारत में, पूरे भारत में, आसे तो हिमाचल, उतनी बारिश हो गई थी। तो जब उनको ऐसे रिजल्ट मिला तो फिर उन्होंने एमपी में भी, शिवराज सिंह चौहान जो एमपी में मुख्यमंत्री थे, उनको उन्होंने बोला कि जो एमपी में जो ड्राई एरिया है उस हर एक जिला में आप सोमयाग कीजिए,
फिर तीन साल हर डिस्ट्रिक्ट में जो बुंदेलखंड है, जो छतरपुर है, झांसी है, ये जो जिले हैं उन हर एक जिले में सोमया किए तीन साल। और तीन साल में ऐसा रिजल्ट आया है, जिस तालाब में कभी भी पानी नहीं भरा वो तीन साल में लबालब पानी से भरे हुए थे। ये हमारा अनुभव है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल का अनुभव है। और पिछले 30-35 साल से जब ये प्रयोग हो रहे हैं तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, और पिताजी की भी मेहनत है, हम विश्वास से कहते हैं कि पिताजी की मेहनत है उसके पीछे, जो 35 साल उन्हें अपना पूरा का पूरा जीवन अंत तक आखिरी उनके श्वास तक उन्होंने इसीलिए लगाया, और श्रौत के आगे अध्ययन के लिए, और ये सिद्ध करने के लिए और समाज के सामने रखने के लिए कि ये वेद यज्ञ जो है वो ही समाज में स्थिरता और एक प्रेम सौहार्द पूर्ण भाव इस वर्षा के माध्यम से सुजलाम सुफलाम ला सकती है। ये पिताजी का कार्य का भाव था। तो इसमें से क्या हुआ, दो तीन काम इस महाराष्ट्र में संपन्न हुए जो पिछले 50-70 साल से वेदाध्ययन के लिए कोई नहीं जा रहा था। उस समय उन्होंने पाठशाला चालू करके 500 विद्यार्थी और सभी शाखा के, सभी वेदों के सभी शाखा, जो 11 शाखा है, जो पद्धति भी अलग है, तो उसके लिए भी दो विद्यार्थी भेजे। जैसे रानाणी शाखा का कर्नाटक में एक पद्धति है, और काशी में जो रानाणी शाखा बोलते हैं वो मूल महाराष्ट्र में बोली जाती थी उस तरह से, तो उसको भी पढ़ने के लिए काशी में बापट शास्त्री बोल करते, उनके पास उन्होंने भेजा। उसी तरह वैसे ही जैमिनी शाखा, कौथुम शाखा, कानव शाखा, पिपला की अथर्वेद की पिपला शाखा, मैत्रणी शाखा, ऐसे 11 ही शाखाओं का यहाँ पर अध्यापन कराकर महाराष्ट्र में पूरा यहाँ पर विद्वान तैयार किए। दूसरा उन्होंने काम किया कि खुद अग्निहोत्र 40-35 साल तक किया अंत तक, और महाराष्ट्र में जितने भी हमारे यहाँ विद्यार्थी गए उनको उसकी प्रेरणा दी। बहुत सारे आज विद्यार्थी तैयार है अग्निहोत्र लेने के लिए, लेकिन उनके पास थोड़ी अर्थ स्थान इसकी कमी के कारण वो अग्निहोत्र नहीं ले पा रहे। मन में इच्छा है लेकिन जैसे हमारे पास खेती है, जमीन है, सब है, लेकिन सबके पास सब नहीं मिलता है। जो शहर में रहते हैं, जो छोटे गांव में रहते हैं, छोटा सा घर होता है, तो उसमें वो अग्निहोत्र नहीं कर पाते। अगर आर्थिक सहायता उन तक पहुंचेगी तो वो जरूर उसमें फिर अग्निहोत्र भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो यानी कि जो मन में एक भाव उनको पैदा करना था कि अग्निहोत्र हमको करना चाहिए, ठीक है आज सधनता नहीं है इसलिए वो रुकेंगे, लेकिन मन में उनके भाव जागृत हो चुका है। तीसरी उन्होंने ऐसे विद्वान तैयार किए कि महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के सोम यज्ञ में महाराष्ट्र के ही सभी आर्थिज्ञ कर सकते हैं, ऐसे विद्वान महाराष्ट्र में उन्होंने पाठशाला के माध्यम से तैयार किए। चौथी उन्होंने ये किया कि सिर्फ विद्यार्थी तैयार किए, सब विद्वान तैयार किए, खुद ने अग्निहोत्र किया, ऐसा नहीं है। खुद ने खुद के पैसे से जो यज्ञ कम से कम 700-800 साल पहले हो गए थे, ऐसे यज्ञ जिसको गवामयन संवत्सर सत्र जो 13-14 महीने चलता है, इस तरह से गवामयन संवत्सर सत्र, अश्वमेध याग, राजसूय, और जो याग मोस्टली सप्तसोम संस्था में नहीं आते और जैन नहीं अनुष्ठित होते, ऐसे याग भी उन्होंने साध्यस्कृत सोमयाग, महाव्रत, जो राज्य कामना के सोमयाग है, इस तरह से 15-15 महीने, 16 महीने के याग इस योगिराज वेदन आश्रम, जो हमारी खेती है जहां पर पाठशाला चालू थी, वहां पर उन्होंने खुद ने ही संकल्प करके वो संपन्न कराया। कुछ राज्य कामना के लिए, कुछ अलग लोगों के लिए उन्होंने कुछ यज्ञ अनुष्ठान करवाए, वो भी सिद्धि प्राप्त हो गए। यानी कि यज्ञ से फल मिलता है, श्रोत यज्ञ से कामना पूर्ति होती है, और ये जो यज्ञ है ये सिर्फ वैयक्तिक उपासना, वैयक्तिक तो है ही, प्राइवेट अपना उपासना तो है ही, क्योंकि यथेक सुखिता बारा मातरम परि उपासना बोला है उन्होंने, कि अग्निहोत्री की उपासना बालक जैसे अपने माता के पास बुभुक्षा होने के बाद, भूख लगने के बाद जाता है, जैसे उपासना करता है वैसे ही करने ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ
समाज के लिए भी हम कुछ करना चाहिए, समाज के लिए भी इसका उपयोग होता है और समाज के लिए भी ये सब यज्ञ होते हैं। ये भी उन्होंने अपने खुद करके और समाज को भी प्रबोधित करके उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कहो, क्योंकि यहीं से राजस्थान में एक भी अग्निहोत्री नहीं थे, आज 8-10 अग्निहोत्री राजस्थान में है। केरल में भी आज विद्वान थोड़े कम पड़ गए थे, तो पिछले साल मैं सामवेदी जैमिनी शाखा के जो महाराष्ट्रीय ने वो केरल के यज्ञ में लेके जाके उनको अर्थविज्ञ कराया और उनका यज्ञ संपन्न कराया। कुछ केरलियन अग्निहोत्री उनका यज्ञ महाराष्ट्र के सभी अर्थविज्ञ जाकर वहां पर संपन्न कराया। हम लोगों को भी ज्ञान जो मिला है वो दक्षिण भारत से मिला है, तो ये जो गिव एंड टेक जो है कि जहां से आया वहां फिर उसको आज उपयोग में आ रहा है। तमिलनाडु में पिताजी ने फिर ये किया कि अभी अग्निहोत्री जो हमारे पास जैसे नहीं तैयार हो रहे, तो उन्होंने अग्निहोत्रों की भी सब जानकारी सबको होनी चाहिए कि भारत में कितने हैं। पिताजी का एक और एक दूसरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जीवन में अग्निहोत्र ही सब था, अग्निहोत्र के बिना कोई उनके मंशा नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि भारत में मैं जैसा अग्निहोत्री हूँ वैसे कितने लोग हैं, हमको जानकारी चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि नए उनको प्रवृत्त करना है तो पुराने जितने हैं उनकी जानकारी होनी जरूरी है। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम उसको कुछ ना कुछ बायोडेटा उन सभी लोगों को जाकर कलेक्ट करना है। तो कैसे कलेक्ट करना है, कोई रोड मैप नहीं था उनके पास। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पास जितने अग्निहोत्री है उनके पास पहले मैं चला जाऊं, वहां जाने के बाद जितनी जानकारी मिलेगी वो मैं कलेक्ट करूं, फिर उनके पास जाऊं। तो ऐसे पहले महाराष्ट्र में जितने अग्निहोत्री थे उनके पास वो गाड़ी किया। अब मेरे बड़े भाई, दो विद्यार्थी, सब खाने पीने का सामान सब लेकर वो गाड़ी में, क्रूजर गाड़ी जो टाटा की थी उसमें सब भर के, वो आज 15 दिन इधर जाना है, आज 15 दिन, फिर महीने के बाद 15 दिन इधर जाना है, इस तरह से उन्होंने भ्रमण करना चालू किया। उनका फोटो लेना, इंटरव्यू लेना, उनकी बायोडेटा कलेक्ट करना, उन्होंने कितने सोमया किए, क्या अध्ययन किए, कितने कौन से श्रोत सूत्र के अनुसार उनका अनुष्ठान चल रहा है, कौन से वेद किए हैं, इस तरह से पूरा डाटा उन्होंने एक एक का कलेक्ट करना चालू किया। पहले महाराष्ट्र का लिया, फिर कर्नाटक में गए, फिर तमिलनाडु में, आंध्र में सबसे ज़्यादा अग्निहोत्री है, तो फिर वहाँ जाने का प्रावधान किया। तो वहाँ तो कोई, वहाँ को कोई मालूम ही नहीं था कि कहाँ पर कौन है, भाषा का प्रॉब्लम आता था, उनको समझाने का प्रॉब्लम, फिर कोई परंपरा थोड़ी महाराष्ट्र साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ब्राह्मणों में थोड़ा जो मन में थोड़ा मनमुटाव था उस जमाने में, अभी कम हो गया है क्योंकि थोड़ा उस जमाने में था, तो ज़्यादातर लोगों के पास जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो पास में बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विश्वास नहीं होता था कि ये हमारे बायोडाटा क्यों ले रहे हैं, थोड़ा संदेह उनके मन में होता था कि वो क्यों आए हमारे पास, क्यों चाहिए। तो कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे, कुछ को दूसरे ने देने के बाद उनको विश्वास होता था। तो फिर हमने ऐसा किया कि जो दे रहे हैं उनका पहले ले लो। फिर उन्होंने, हमने जब एक गांव में 4-5-6-10 अग्निहोत्री है, तो फिर हमने 2 लोगों को लिया, तो बाकी लोगों ने जब देखा इन्होंने दिया है लिया है, तो फिर उनको भी थोड़ा विश्वास, थोड़ा धीर आया कि कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत इस्तेमाल करेंगे इस डेटा का, हमको कोई गलत करेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र से है, हम लोग जानते नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ऐसा कोई भी आकर हम अपने घर में आपके बारे में जानकारी दे और हम दे दे, इस तरह से नहीं होता था। तो फिर हमने उनको बताया कि ये विद्वानों ने हमारे पास ऐसा डाटा दिया है, आप देख सकते हैं उनका डाटा हमारे पास आए। तो फिर उन्होंने जब दिया है तो ये विश्वास से फिर बाकी है धीरे 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 होना, जैसे हमारे पास 50 लोगों का डाटा हो गया अलग अलग तरह का, फिर लोगों को विश्वास हुआ कि ये सचमुच कुछ इकट्ठा करके उसको पब्लिश करके, तो फिर लोगों को लगता था भाई आप पब्लिश कर रहे हैं तो हमारा डाटा पब्लिश कर रहे तो हमको क्या फायदा है। फिर उनको, हम उनको समझाना पड़ा कि अभी रिसेंटली डायरेक्टली हम अभी नहीं बोल सकते कि इसका क्या फायदा है, लेकिन मुझे गुरु कृपा से जो दिखता है कि इसका क्या फायदा है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन समय आपको जरूर ये बताएगा कि ये डाटा मैंने जो कलेक्ट कर रहा हूं इसका आगे क्या फायदा होने वाला है। बस मेरे गुरु के ऊपर विश्वास है। तो उन्होंने
ये डाटा कलेक्ट करना चालू किया, जिन्होंने नहीं किया उनका सिर्फ नाम एड्रेस फोन नंबर ही लिखा वही रख दिया, फिर फोटो चाहिए तो फोटो रखा नहीं तो नहीं रखा। तो इस तरह से उन्होंने डाटा करना कलेक्ट करना चालू किया। उनको कुछ कुछ के घर में 30, 25, 20, 15 पीढ़ियों के परंपरा के भी अग्निहोत्री थे, तो इस तरह से उनके परंपरा के बारे में भी मालूम हुआ। जब कलेक्ट करने लगे तो नए नए अग्निहोत्री कहाँ कहाँ आए वो भी मालूम होना चालू किया। जब पूरे भारतवर्ष में ये सब डाटा उन्होंने एक बार इकट्ठा किया, फिर उन्होंने सोचा कि इसका भी बुक हमको बनाने चाहिए ताकि हम किसी को भी एक बुक के रूप में हमको ये देना चाहिए। तब माटुंगा शंकर मठ को उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि टीएन ने शेषन जी जो वहाँ पर प्रमुख थे माटुंगा शंकर मठ में, उनसे संपर्क किया और उनको कहा कि ऐसा ऐसा मेरे पास डाटा मैंने कलेक्ट किया है, मैं पुस्तक पब्लिश करने जा रहा हूँ अग्निहोत्रियों के बारे में, तो आप थोड़ा धन सहायता आप कीजिए मठ के ओर के। तो उन्होंने जैसे ही वो ये सब जानकारी सुना और जब उन्होंने डाटा देखा तो वो भी इतने हर्षित हो गए, तब उन्होंने देखा कि ये कौन करता है आज, तो फिर उन्हें बिना संकोच बिना किसी लाग लपेट के उन्हें एक सेकंड में उनको बोल दिया कि हम पूरा पब्लिश करेंगे और आप जिन्हें जहाँ जहाँ देना चाहते हैं उन सबको आप ये बुक दीजिए। तो 500,000 बुक उन्होंने वो प्रिंट किया और जितने अग्निहोत्री थे उनको तो भेजा ही जब पब्लिश किया है। तो एक प्रसंग ऐसा भी है, चेन्नई में अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चेन्नई में जो एक अग्निहोत्री थे वो विद्वान है, वैसे हम लोग आपस में अच्छे जानकार हैं, लेकिन उनमें थोड़े ऐसा था कि कुछ यज्ञ परंपरा में जो दो भेद हुए हैं उन लोगों के साथ हमारी फोटो नहीं छापनी चाहिए। उन्होंने सीधी सीधी हमको धमकी तक दे डाली कि हम अगर आपने हमारा नाम उस बुक में डाला तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। पिताजी बोले हम कोई किसी का नाम नहीं डालेंगे, आप अगर अनुमति देंगे तो ही हम उसमें डालेंगे, ऐसा कोई हमारा प्रावधान नहीं है कि हमको कुछ करना है। लेकिन पिताजी इनका लगता था कि इनकी भी जानकारी सबको जानी चाहिए, तो पिताजी ने लिखा कि हम ऐसे एक विद्वान के पास गए थे जो इस गांव में रहते हैं और ये विद्वानों ने हमको मना किया, इसलिए हम बाकी डाटा आपके पास नहीं दे सकते हैं। यही लिखकर उन्होंने उनका नाम उसमें डाल दिया कि इन्होंने हमको ये देना नहीं है इसलिए हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो यही लिखकर उनको वही डाटा वो भी उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। तो जब ये पुस्तक प्रिंट हुआ सब अग्निहोत्री के पास गया तो पिताजी ने, तब तक परमाचार्य जी नहीं थे, लेकिन ये परमाचार्य जी की कृपा थी कि जब अग्निहोत्र के लिए सोमयज्ञ के लिए और श्रौत के लिए कृष्ण यजुर्वेद जो ये यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद ऐसे नहीं सब कोई भी शाखा हो यजुर्वेद की वो अध्वर्य प्रयोग के लिए प्रमुख शाखा होती है, तो उसके अध्ययन के लिए जब परमाचार्य ने जब एक सेकंड में लाइन से हटाकर पिताजी को बुलाया था सिर्फ देखकर कि इनसे कुछ अलग होने जा रहा है जो संतों को आगे का दिखता है, तो यही बात है कि परमाचार्य जी ने जब उन्होंने उनको बुलाया और व्यवस्था की तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये अग्निहोत्री भी आगे चला और ये सब डाटा कलेक्ट हुआ। और जब ये पुस्तक रूप तक प्रकट हुआ तो तब तक परमाचार्य जी नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में रहा। और जब ये पुस्तक लेकर महास्वामी जी जयेंद्र सरस्वती जी स्वामी जी के पास जब पिताजी गए और उनको ये जब दिया तब वो भी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो उसी से 2-3 महीना पहले ऐसा विचार कर चुके थे कि हम कुछ अग्निहोत्री जितने मालूम हैं उनको बुलाए और मठ में कुछ सत्कार करें उनका। और ये पुस्तक देने के बाद उन्होंने देखा भाई इतने हम लोगों को नहीं बुलाएंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो पुस्तक में जितने भी दिए हैं उनसे संपर्क करेंगे और सबको बुलाकर कुछ अग्निहोत्र का एक सम्मेलन जैसा करेंगे। अभी ये छोटे सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं रखेंगे, ये हमारे पास अभी डाटा पूरा हमारे हाथ में दिया है परमाचार्य जी ने। फिर उन्होंने तिरुपति में आज से 16 साल हो गए शायद, ये 16वां साल है, उससे 16 साल पहले उन्होंने वहाँ पर तिरुपति में पहला अग्निहोत्र सम्मेलन भारतवर्ष में हिस्ट्री में पहला बार आयोजन किया और उसमें कम से कम 100-125 सोमयाजी अग्निहोत्री सब वहाँ पर आ गए थे। और फिर देखा
फिर उससे लेकर आज तक हर साल अग्निहोत्र सम्मेलन कांचीपुरम के कांची मठ में, शंकराचार्य जी के मठ में हर साल होता है। तो ये जो एक जो है, और इतना ये हुआ कि नए नए जो अग्निहोत्री आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, उनका भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। सब जो हमने, जो मैंने प्रारंभ में बताया, जो संदेह हो रहा था दाक्षिणात्य और नॉर्थ इंडियन, इसमें जो एक संदेह था, वो संदेह भी इस सम्मेलन के माध्यम से कम हो गया और मिट गया। आज जब अग्निहोत्री सब एक दूसरे को मिलते हैं, तब एक दूसरे की जानकारी खुशहाली सब लेते हैं और सबको अपना लगता है। कोई ये तमिली है, ये तेलुगु है, ये मराठी है, ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, इस तरह सा भेदभाव वहां पर कुछ भी नहीं होता है। और स्वामी जी मठ दोनों ही इन सब के बारे में एक दृष्टि से देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो अग्निहोत्र का पिताजी ने जब बुक पब्लिश की, आज जरूरी है, जैसे आपका नाम लू ना लू पता नहीं, लेकिन श्री राम जी जो चेन्नई से मेरे पास तक आए हैं, और जब मैं ये देख रहा हूं, जैसे उनसे बातचीत हो गई, मैं एक बार नहीं था, लेकिन दूसरे ही दिन फिर उन्होंने फोन करके बताया कि मैं अगले हफ्ते में मैं आपको आकर मिल रहा हूं, तो मुझे लगा कि कोई अपने यहाँ कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिर एक बार उसी को फिर एक बार और आगे बढ़ाने वाला कोई आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि हमको इनको पूरी तरह से सहायता करनी चाहिए, और जितना भी हम हो सकते हैं उनके साथ में रहकर उनको अग्निहोत्रियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और जो आज तक नहीं हो रहा था, क्योंकि तमिलनाडु में या आंध्र में कोई लोग जाते होंगे अग्निहोत्रियों के पास, जहां लोकल में है तो वह कोई जाते हैं, लेकिन सुदूर छोटे छोटे गांवों में जैसे महाराष्ट्र में बहुत कम लोग हैं अग्निहोत्री। और अग्निहोत्री महाराष्ट्र में, केरल में, राजस्थान में थोड़ी एक विशेषता यह है कि जब अग्निहोत्री हम लोग बोलते हैं, तब उनको एक सम्मान होता है। और सम्मान क्यों होता है, तो अग्निहोत्र लेते समय हमारे पास एक संकल्प होता है, यावत जीवन जो याद। ये जो एक अग्निहोत्र का बेस है कि अग्निहोत्र ये हमारे जीवन तक करना चाहिए, ये संकल्प लेने के बाद हमको ये छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि छोड़ने का प्रावधान यहां पर है ही नहीं। संकल्प सिर्फ अग्निहोत्र लेने का है, छोड़ने का संकल्प नहीं। हम हर एक कर्म में संकल्प करते हैं और कृष्णार्पण कर देते हैं संकल्प को, अनेन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियताम बोलते हैं, संध्या भी करते भी तो यही करते हैं। लेकिन अग्निहोत्र जब आधान करते हैं तो श्री कृष्णार्पण वस्तु है ही नहीं। अग्निहोत्र लेने के बाद आप ही कृष्ण है, आप ही परमात्मा है, आप ही अग्नि है। अग्निर्वयी दीक्षिता मुड़ा है, जो दीक्षा लेता है, जो आदान करता है, जो सोमयज्ञ अनुष्ठान करता है, वो अग्नि स्वरूप है। और अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, इसलिए अग्निहोत्र शाला, अग्निहोत्रियों का घर जो है वो एक तीर्थ स्थान जैसा होता है। युगपत सर्वतीर्थानि युगपत सर्वादेवताः दृष्टुमिच्छसि हे राजन अग्निहोत्र गृहं व्रजाहि। सभी देवता सभी तीर्थ एक जगह में, आपको अगर देखने हैं तो अग्निहोत्र जहां पर चल रहा है उस घर में जाओ आप। तो ये जो एक बेसिक उसका एक बेस है, उसका मूल है, तो इस मूल को फॉलो करते हुए महाराष्ट्र में कम विद्या है, अभी तो 13-14 अग्निहोत्री है दूर दूर छोटे छोटे गांवों में है, लेकिन जो है जिन्होंने भी संकल्प करके अग्निहोत्र लिया है वो नित्य अग्निहोत्र कर रहा है, किसी ने भी छोड़ा हुआ मैंने सुना नहीं है महाराष्ट्र में। सभी अग्निहोत्री नित्य अग्निहोत्री है, वैसे ही गोवा में भी है, जो कर रहे हैं वो नित्य अग्निहोत्री है, 6-7 अग्निहोत्री गोवा में है तो वो नित्य अग्निहोत्री है। केरल में तो और भी स्ट्रांग है, वो तो अग्निहोत्र जब एक बार लेते हैं तो पत्नी प्रवास भी नहीं करती, अग्निहोत्र एक ही घर में रहता है। एक बार जाकर अग्निहोत्र प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसका समारोह ही नहीं करते वो लोग, घर में प्रत्यक्ष अग्नि सदैव रहता है 24/7। बाकी स्थानों में थोड़ा सा समारोह करके कुछ काम के लिए यहां वहां जा तो रहे, लेकिन केरल में वो भी नहीं। तो इस तरह से अग्निहोत्र की उपासना एक बालक की तरह सभी जगहों में जो हो रही है, उसके बारे में जगह जगह में जाकर आप लोग जो एक उनको प्रोत्साहन देने का, या कोई ना कोई हमको
एक हमारी जानकारी ले रहे हैं, हमारे और किसी ना किसी की समाज की दृष्टि है, ये भाव अग्निहोत्री उनके मन में उद्भव हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आप दो तीन लोगों के पास जाकर आए तो उन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया कि वो आए थे, उन्होंने जानकारी ली, तो हमको ऐसा लगता है कि हर अग्निहोत्रियों के पास में अगर समाज जाना चालू हो जाएगा, उनकी दखल लेना चालू हो जाएगा, तो अग्निहोत्रियों की भी संख्या बढ़ेगी। और ये जो वेद एक शुष्क अध्ययन हो गया है, एक शुष्क अध्ययन हो गया है, उसको एक पल्लवित हो जाएगा, नया अंकुर हो जाएगा, जो यज्ञों के माध्यम से, अग्निहोत्रों के माध्यम से ये पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। क्योंकि आज जो होता है इसको कोई समाज पूछता नहीं है, कौन पूछता है अग्निहोत्री? अच्छा ठीक है, अग्निहोत्री है, एक बार नमस्कार करेंगे चले जाएंगे। लेकिन उनकी जो परेशानी है, जो कोई समाज अगर देगा नहीं लेकिन पूछेगा तो भी उनको अच्छा लगता है। तो ये जो एक स्थिति है, ये अग्निहोत्री के बारे में जो पिताजी ने एक वृक्ष लगाया था, एक बीज बोया था, परमाचार्य जी ने अध्ययन की व्यवस्था करके जो एक बीज बोया था, उसके बाद जयेंद्र सरस्वती जी ने जो एक फिर अग्निहोत्र सम्मेलन की बीज बोई थी, इसके बाद में आज जो हम लोग देख रहे हैं और महसूस करते हैं कि सिर्फ वेदाध्ययन नहीं हो रहा है, श्रौत की परंपरा भी बढ़ रही है, अग्निहोत्र का भी महत्व बढ़ रही है, और लोग पूछना चालू हो गए, क्वेश्चन करना चालू हो गए कि भाई ये अग्निहोत्र क्या है, उसकी जानकारी दीजिए, हमको भी सोमयाज का आयोजन करना है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी अभी अग्निहोत्रियों की स्टी करना है, पुणे में भी होते हैं, जयपुर में भी हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे जयपुर के रामानुजाचार्य यूनिवर्सिटी में हर साल स्टियाँ करते हैं, तिरुपति में भी यूनिवर्सिटी में, वैदिक यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो ये जो एक चीज़ है वो एक बड़े लेवल पर और ऑथेंटिक लेवल में वो एक इस तरह से हो रहा है कि इसको समाज के प्रबोधन के लिए बहुत सहायता होने वाली है आगे। तो ये सभी बीज जो आज भारतवर्ष में पिताजी के माध्यम से गुरुजी ने, संतों ने जो बोया है, वो आज यहाँ भी फैल रहा है, और आज हम जो निष्ठा से हमारे पास जो है वो उन्हीं की देन है कि हम अग्निहोत्री बने। अन्यथा हम भी कोई खेती करते थे, कोई नौकरी करते थे, और सब लोग जैसे समाज जी रहा है वैसे हम भी जी जाते, लेकिन हमारे जीवन में जो आनंद आया है वो केवल पिताजी, अग्निहोत्र, वेद और परमाचार्य जी, ये इन्हीं के वजह से आया है। तो यही हमारे सभी ये संतों के चरण में हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों के ही आशीर्वाद से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और समाज को भी उसका उद्बोधन करने का सामर्थ्य हम सभी अग्निहोत्रियों के पास दे, यही हम प्रार्थना करते हैं।